हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल बायोग्राफी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेनिफर विंकेट की। जेनिफर विंकेट फिल्म और टीवी जगत की प्रमुख अभिनेत्री हैं। ये ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं। जेनिफर का जन्म 13 मई 1985 को गोरेगांव मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता हेमंत विंकेट रिलायंस कंपनी के प्रमुख कर्मचारी रहे हैं और इनकी माँ एक हाउसवाइफ है। जेनिफर का एक भाई भी है जिसका नाम मोसा विंकेट है। जेनिफर के पिता एक मराठी ईसाई धर्म के हैं और उनकी माँ एक हिंदू पंजाबी घर की हैं। जेनिफर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने होम टाउन यवतमाल से पूरी की। उसके बाद कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद एक्टिंग करियर पर फोकस करने लगी। जेनिफर की मुलाकात एक धारावाहिक दिल मिल गए में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से हुई थी। कुछ समय की डेटिंग के बाद दोनों ने 2012 में शादी कर ली, लेकिन उनका यह रिश्ता ज्यादा समय तक चल ना सका और दोनों ने 2014 में तलाक ले लिया। लेकिन इन सब के बाद भी जेनिफर टूटी नहीं, उन्होंने अपने करियर पर फोकस बनाए रखा। जेनिफर का नाम एक्टर शहबान आजमी के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन वो एक अफवाह थी। जेनिफर विंकेट ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 2003 में शकलाका बुम बुम में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया था। इस जादुई नाटक में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची पिया का किरदार निभाया था। उसके बाद जेनिफर ने कुसुम और कोई दिल में है जैसे धारावाहिकों में भी काम किया। जेनिफर का काम लोगों को बहुत पसंद आने लगा, उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला और जेनिफर को एक के बाद एक कई धारावाहिकों में काम करने का मौका मिला, जिनमें शामिल है कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा, सरस्वती चंद्र, बेहद, बेपनाह, बेपनाह टू, ऐसे ही और भी। जेनिफर फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कुछ फिल्मों में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। 1995 में अकेले हम अकेले तुम, 1997 में राजा की आएगी बारात जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो काम कर चुकी है। इसके अलावा 2000 में राजा को रानी से प्यार हो गया, 2003 में कुछ ना कहो जैसी फिल्मों में भी वो दिखाई दी हैं। जेनिफर ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है। इसके अलावा वो रियलिटी शो जैसे जरा नच के दिखा, हंसी के पटके, कॉमेडी सर्कस 3, द कपिल शर्मा शो जैसे कई रियलिटी शो में भी वो नजर आ चुकी हैं। जेनिफर को सरस्वती चंद्र और कसौटी जिंदगी की जैसे शो में उनके शानदार काम के लिए उन्हें 2006, 2013, 2014, 2017 में उनके काबिले तारीफ काम के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें जेनिफर के पसंद की, तो जेनिफर को खाने में मुगलिया फूड, पीने में उन्हें लेमन आइस टी, एक्टर में शाहरुख खान, एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी पसंद है और उनकी पसंदीदा जगह सिंगापुर और मलेशिया है। तो फ्रेंड्स, आपको जेनिफर की लाइफ को नज़दीक से जानकर कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।